बहुजन प्रतिपालक और अद्वितीय योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 393 जन्मोत्सव समारोह हम लोग अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के जो मसौढ़ी शाखा है उसके तत्वाधान में मसौढ़ी में हो रहा है। और उसमें दो विषय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पटना आए थे 1666 को, और जब वो पलायन किए थे आगरा फोर्ट से तो कानपुर, इलाहाबाद, बनारस होते हुए पटना, पटना से वो गया की ओर रुख किए थे अपना पलायन के सफ़र को। और उसके बाद वो जब जा रहे थे तो मसौढ़ी के चंदा गांव में एक दिन भर ठहरे थे, और उसके बाद वो गुजरते हुए वहाँ से गया से छोटा नागपुर गए थे, और छोटा नागपुर से फिर वो हैदराबाद चले गए, और हैदराबाद से फिर वो डायरेक्ट वो राजगढ़ पहुँचे थे 14 सितंबर 1666 का। तो चूँकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो आज डोभी रोड बना है पटना से गया, उसी रास्ते पर उसका अलाइनमेंट है जिस रास्ते पर छत्रपति शिवाजी महाराज चले थे, तो ये एक ऐतिहासिक बात है कि ये जो लोगों को छत्रपति शिवाजी के शौर्य और वीरता की जो इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बताने के लिए, उनको यादगार रखने के लिए हम लोगों ने अपने संघ के स्थापना दिवस पर हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसकी कॉपी भी दी थी। और इसके बाद अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के सीएल गंगवार जी ने एक लेटर अभी डिस्पैच किया है नितिन गडकरी जी को, जो अभी सड़क और राज्य मार्ग के मंत्री हैं, उनको कि इसका नामकरण शीघ्र करने की घोषणा की जाए। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के 393 जन्मोत्सव के अवसर पर बैकवर्ड क्लासेस जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं जिनका कि सर्वांगीण विकास के लिए और उनके संवैधानिक और स्वाभिमान की रक्षा के संबंधित कुछ मुद्दे भी हम लोग वहाँ उठाएंगे, प्रस्ताव लेंगे, और जिसकी जानकारी मैं सारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर और जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन लोग को दिया जाएगा। और यदि हमारा जो समस्या है, जो बैकवर्ड क्लासेस की जो समस्या है, अगर उसको सकारात्मक ढंग से अगर जल्द उसको समाधान न ढूंढा गया तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन हमारा तीव्र गति से बढ़ेगा, और वो आंदोलन सिर्फ बिहार का न होकर ये पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेगा। कितने लोगों की संख्या होगी सर? अभी ये कार्यक्रम है, अभी हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में जितने भी हमारे संघ के पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संगठनों के जो प्रमुख संचालक हैं वो सारे लोग वहाँ जुटेंगे, जिसमें युवाओं की संख्या कम से कम हजारों में होगी। धन्यवाद।